हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस का अड्डा। हम लोग लाइट चैप्टर को पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन भी देख लिया था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, रीज़न भी देख लिया था। अब हम लोग को रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना पढ़ना है, तो हमको आज पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, लेंसेज के बारे में पढ़ना है। तो लेंसेज में क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। रिफ्रैक्शन किससे होगा, स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू होगा, ठीक है। यह टॉपिक आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज हो रहा है, लेंस। लेंस के बारे में अभी तक मैंने कोई भी बात नहीं करी थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस के बारे में कि लेंस क्या है, ठीक है। तो लेंस आपका एक स्फेरिकल डिवाइस है। स्फेरिकल मतलब ग्लास का बना हुआ डिवाइस है, जिसमें दो स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं, जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो लेंसेज आपके बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ठीक है। मैंने बोला था लेंस के क्या होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। जो जैसे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ये सरफेस हो गया, तो आप देख सकते हो एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। तो जब दोनों सरफेसेस को मिला देते हैं, तो जो ये फिगर बना है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनवेक्स लेंस। उसी तरह से कॉनकेव लेंस की जब बात करें, तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, हमारे दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे जो आपस में मिल जाएंगे और लेंस का फॉर्मेशन करेंगे। इसको और थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, ठीक है, जो हो गया कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। अगर इसमें देखें तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, एक ये स्फेरिकल सरफेस है। तो लेंस क्या होता है, इसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस हो गए, ठीक है। अब यहां पे देखो ये कौन सा सरफेस कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और वहां पे भी कौन सा है, कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। ये कौन सा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, और ये भी हमारा कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप का होता है, कॉनकेव लेंस इस टाइप का होता है। इनके दूसरे नाम भी हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है एक स्पेशल काम करता है, अभी हम पढ़ेंगे क्या करता है, उसके वजह से हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो ये है इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ऐसे क्यों कहते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि हम इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हैं, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हैं। बट अभी सिर्फ जान लीजिए इसका नाम एक और है, कन्वर्जिंग लेंस, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। अब लोग थोड़ा सा और कुछ टर्म्स देखते हैं लेंस से रिलेटेड। जैसे सपोज करिए आपका लेंस है, ठीक है, ये लेंस है। तो ये जो लाइन, इसके लाइन से पहले हम इसके सेंटर की बात करते हैं। जिसका सेंटर होता है लेंस का, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। मिरर में क्या होता था, ये कहलाता था पोल। लेंस में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि दो सरफेस जो मिले हैं उनका एक सेंटर है, ठीक है। जो लाइन जो परपेंडिकुलर टू दिस लेंस होगी, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे वहां पे बोलते थे, वैसे इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। मिरर में अगर आपको याद हो तो मिरर में एक चीज आपने ध्यान दी हो कि जो सरफेस होता है, जो स्फेरिकल सरफेस था मिरर के केस में, उसका जो सेंटर था उसको हमने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच के डिस्टेंस को बोला था हमने फोकस, याद होगा आपको। अब यहां पे देखा तो यहां पे दो सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, देखा ना, एक ये सरफेस होगा, एक ये सरफेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, ठीक, ये चीज समझ में, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। फोकस की बात करें तो इनके बीच के डिस्टेंस होगी, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहां पे फोकस भी दो हो जाएंगे, दो फोकस भी होंगे। लेकिन फोकस होता क्या है, जैसे हमने मिरर में देखा था
कि देखो मिरर और लेंस बहुत ही मिलते जुलते चीज़ें हैं, आप एक चीज़ को अगर समझ लेते हो दूसरे को बस रिलेट करते जाना है और सीखते चले जाना है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो आपका सेम चीज़ है, जैसे मिरर में थी वैसे ही आपके लेंसेज में चल रही है। तो जैसे हमने फोकस मिरर के केस में पता किया था, उसी तरीके से हम लेंस के केस में भी पता करेंगे कि फोकस क्या होता है। जैसे आपका एक लेंस है तो जब लाइट बीम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ऐसी लाइट बीम जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस किसी एक पॉइंट की तरफ चली जाती है, जो एक पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस। जैसे फोकस नहीं, अब यहाँ पे तो फोकस दो है, तो कौन सा फोकस, ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मतलब मेन फोकस है, और जो दूसरा फोकस होता है वो इस वाले स्फेरिकल सरफेस का होगा, वो सिंपल नॉर्मल उसको हम फोकस कह देते हैं, ठीक है। तो जो ये फोकस जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कौन सा होता है, जहां पे लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस कन्वर्जेस। अब यहाँ पे देखो लाइट कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कह रहे थे, ये रीजन होता है इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कि लाइट जो होती है रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाती है। तो जो जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इस लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब हम बात करें इसी चीज को, फोकस के बारे में बात करें कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस कैसा होगा आपका, इस टाइप का होगा, ये कॉनकेव लेंस हो गया, लाइट ऐसे पास, ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब लाइट जब आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब क्या होगा यहाँ पे डाइवर्जिंग होगी, डाइवर्जेंस होगा, तो लाइट क्या करेगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। लाइट जो होगी क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, इधर चली गई इधर चली गई, तो हमको अपीयर होगा कि इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट से अपीयर होता है कि वहां से डाइवर्ज हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और यहाँ पे इसका दूसरा फोकस होगा। तो यहाँ कौन सा फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कैसे पता करें कि कौन सा फोकस प्रिंसिपल है कौन सा फोकस नॉर्मल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस हमारा हमेशा वो फोकस होता है जहां से लाइट इकट्ठी होती है, जहां पे या कॉन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज जाएगी, और यहां पे इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, कैसा लगेगा कि एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, मतलब निकल करके फैल रही है, तो लाइट असल में फैलती हुई दिखेगी। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस किसका, कॉनकेव लेंसेज का, ठीक है। लेंसेज का यूज कहाँ पे होता है, कॉमन क्वेश्चन आता है लेंसेज का यूज कहाँ पे होता है, तो लेंसेज आपको पता है आपके ऑप्टिकल डिवाइसेज में यूज होते हैं। अब ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है, ऑप्टिकल डिवाइसेज के बारे में आपने सुना होगा बहुत, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के बारे में आपने, ठीक है, टेलीस्कोप आपके स्पेक्स में यूज होता है, चश्मे में यूज होता है, ठीक है, ग्लासेस कह सकते हैं, आई ग्लासेस, आई ग्लासेस और चश्मे जैसे मैं पहना हूँ तो वहाँ पे भी क्या लेंसेज का यूज़ हो रहा है, तो हमारे आई ग्लासेस में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो लेंस के बारे में हो गया कि कौन से लेंसेज होते हैं, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। अब हमें कुछ रूल पढ़ने हैं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं, तो रे डायग्राम से पहले हमको कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, किसके, आपके रे डायग्राम को बनाने के रूल्स। तो इसके तीन रूल होते हैं, इमेज डायग्राम के रूल पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका रूल नंबर वन क्या है, रूल नंबर वन है कि अगर आपकी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स अ फोकस, फोकस की तरफ वो मुड़ जाएगी। ये पहला रूल होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिंपली स्टेट कर दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग द स्टेटमेंट कि व्हेन लाइट रे
parallel to the principal axis falls on the lens, then it will converge towards the focus. ये पहला rule हो गया. Rule number 2 है कि अगर आपको कोई lens है, कोई नहीं मतलब convex lens है, और light ray optical center से pass हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाइवर्जन या कन्वर्जेंस नहीं होता है, या कह सकते हैं किसी भी तरीके का कोई भी रिफ्रैक्शन देख. ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होगी तो लाइट आपकी सीधी चली जाएगी बिना किसी डायरेक्शन में मुड़े हुए. तो आपका दूसरा रूल हो गया. और तीसरा रूल आपका सिंपल हो जाता है कि जब आपकी लाइट रे जब आपकी लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब रिफ्रैक्शन होता है, जब लाइट रे आपकी आ रही है फोकस से पास होती है, जब आपके लेंस से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. तो हमें इन तीन रूल्स का यूज़ करते हुए सारे रे डायग्राम पढ़ने हैं, इमेज के डायग्राम पढ़ने हैं. जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर में 6 इमेज के डायग्राम पढ़े थे, उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के 6 डायग्राम हमको पढ़ने हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसके रे डायग्राम. ठीक है, अब हम लोग इमेज डायग्राम बनाना शुरू करते हैं. तो अब हम पहला केस लेते हैं, जैसे हमने 6 केस के बारे में बताया था, तो यहाँ पे पहला केस लेते हैं. केस फर्स्ट क्या है, अब हमको ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे रखना होगा. अब हम समझेंगे कहाँ रखते हैं. तो केस वन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ठीक है. देखो सबसे पहले केस है, देखो ऑब्जेक्ट को तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा, पहली चीज़ सिंपल सी बात है, हमको ऑब्जेक्ट इस साइड रखना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा एफ डैश एंड ओ के बीच में. एफ डैश देखो ये वाला फोकस है और ओ के हमारा ये है. अब यहाँ पे तुम्हें रखना नहीं, यहाँ पे तुम्हें इमेज चाहिए, हम यहाँ पे रख नहीं सकते लेंस के अंदर, तो हम इसके बीच में ओ और एफ डैश के बीच में रखते हैं. ओ और एफ डैश के बीच में रखेंगे तो यहाँ पे सपोज के लिए हमने ऑब्जेक्ट रख दिया. ठीक, अब सबसे पहले क्या होगा, हमने तीन रूल पढ़े थे, तीन रूल का इस्तेमाल करेंगे. रे यहां से गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रूल नंबर 1 इट विल पास फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास हो जाएगी. ये गई रे ऐसे, ये पास हो गई फोकस से, पहला रूल हो गया. ठीक, दूसरा रूल था कि जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना किसी रिफ्रैक्शन के निकल जाएगी, तो कोई भी तरीके का डिफ्रैक्शन उसमें नहीं देखने मिलेगा, ना कन्वर्जेंस ना डाइवर्जेंस, किसी भी तरीके का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट सीधे चलेगी. तो क्या यहाँ पे कभी इमेज बनेगी, ये तो लाइट ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये दूर होते जाएंगे हमेशा, कभी एक दूसरे से टच नहीं करेंगे. तो हम क्या करें, इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं. ये हमको इमेज मिल गई, अब जरूरी नहीं यहाँ मिले, कहीं पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सी के हिसाब से आप समझो, ये कहीं पे भी हो सकती है. तो ये हमारी इमेज बन गई. ठीक है, तो ये तो था हमारा इमेज का डायग्राम, ऑब्जेक्ट को जब हमने रखा ओ और एफ के बीच में, तो ये हमारा इमेज का डायग्राम बन गया. अब हमको नेचर ऑफ इमेज समझना है, नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे. तो आप जैसे हम मिरर के केस में उसकी इमेज के बारे में बात करते थे, नेचर ऑफ इमेज की बात कर रहे थे, वैसे हम यहाँ पे बात करेंगे. तो पहले तो ये बताइए कि इसकी इमेज कैसी है. तो आप कहोगे सर इसके हिसाब इधर होती तो हम वर्चुअल कहते हैं, इधर है तो रियल है. तो ऐसा मैंने रूल नहीं बताया था आपको, मैंने बताया था सिंपली कि इमेज आपकी रियल और वर्चुअल तब हम डिसाइड करते हैं जब वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते हैं कि एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करता तो वो वर्चुअल इमेज हो जाती है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हमने पीछे एक्सटेंड किया और वहाँ पे फिर उसका इंटरसेक्शन हम देखा, तो ये इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई. दूसरी चीज, सीधी इमेज बनी कि उल्टी बनी है, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज भी उसकी सीधी, तो इरेक्ट बन गई, इरेक्ट मतलब सीधी बन गई. ठीक है, साइज बता दो जल्दी से इसका. ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था, मान लेते ए और बी था ऑब्जेक्ट, तो इमेज बन गई ए डैश बी डैश, तो कितनी बड़ी बन गई, मैग्नीफाइड बनी, मैग्नीफाइड इमेज हो गई. ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी, तो हमको तीन नेचर इमेज का पता चल गया. अब हम लोकेशन भी देख लें भैया, पोजीशन कहाँ पे है, लोकेशन या फिर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ पे है इस पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की पोजीशन आता है बियॉन्ड, सॉरी बिहाइंड ऑब्जेक्ट, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनी हुई इमेज। ठीक है, ये केस समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था। ये आपका कॉनकेव लेंस का फर्स्ट केस से मिलता जुलता है, काफी प्रॉपर्टी भी काफी मिलती जुलती है और केस भी काफी मिलता जुलता है। अब हम सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा क्विक बात कर रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, ठीक है, कुछ बुक में सी की जगह 2F लिखा रहता है, तो अंडरस्टूड है क्योंकि इसका डबल होता है इसलिए 2F लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी भी बोल सकते हैं 2F भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने रखा हुआ कहाँ पे, फोकस के ऊपर, क्योंकि अब दूसरा केस क्या है हमारा, केस नंबर 2 है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एफ डैश पे रख रहे हैं, तो एफ डैश पे रखा तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यहाँ इस टाइप का। अब इसकी जो रे डायग्राम बनेगा तो क्या होगा, जो रे आपकी पैरेलल निकल के गई जब लेंस से पास होगी तो क्या होगा, फोकस से निकलना है इसको भाई, फोकस से निकाल दिया हमने, जब रे गई तो फोकस से चली गई। ठीक, दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो इस तरह से ले आएगी, सीधी चली आएगी। अब यहां पर देखें तो दोनों पैरेलल हो गए, ये क्या है, पैरेलल रेज है, इसको पीछे भी एक्सटेंड करोगे तो भी पैरेलल बनेगा, तो पीछे तो बनने का सवाल नहीं उठता। हम मान लेते कि इनफाइनाइट में कहीं जाके मिल जाएगी, इनफाइनाइट में जाके कभी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम इसके नेचर की बात करें तो पहले रियल है कि नहीं है भाई, इनफाइनाइट में जाके एक्चुअल में मीट करेंगे, कहीं मिलेंगे तो रियल होगी। दूसरी चीज सीधी इक्वलिटी है, ऑब्जेक्ट ऐसा था इमेज ऐसी हो गई, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तीसरी चीज साइज देखो, ऑब्जेक्ट तो छोटा था, इनफाइनाइट में जाके इमेज बनी तभी हम देख पा रहे हैं, तो ये हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी इमेज बन गई भाई, बहुत बड़ी इमेज है। अब उसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं, लोकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट बन रही ना, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो सेकंड केस हो गया, सेकंड केस भी बहुत इजी था, ये आपके कॉनकेव मिरर का सेकंड केस से मिलता जुलता है काफ़ी। अब हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं, उसमें हमने थर्ड केस क्या लिया था कि जब हमने एफ और सी के बीच में रखा था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एफ और सी के बीच में रख देंगे, मान लेते हैं लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस सेंटर कर्वेचर, फोकस सेंटर कर्वेचर, ठीक है। तो अब हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, एफ डैश और सी डैश के बीच में, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, एफ डैश और सी डैश के बीच में, एफ डैश और सी डैश के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब जब यहाँ पे रखा तो इमेज गई ऐसे, रह गई आपकी, आफ्टर रिफ्रेक्शन या आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस इट विल पास फ्रॉम फोकस, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड केस क्या था, अब आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो चाहे पैरेलल फोकस से पास करा दो, आपकी चॉइस है, चलो हम फोकस से पास कर देते हैं। ठीक है, जब ये फोकस से जाएगी और लेंस से पास होगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 3, यानी जब पैरेलल गई थी तो आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस, रूल नंबर 1, फर्स्ट और 3 का यूज किया, इमेज हमारी बन गई सी के पीछे, सी और इन्फिनिटी के बीच में, या कह सकते हैं बियॉन्ड सी बन गई है। तो ये डायग्राम हो गया, इसका नेचर देखते हैं, नेचर कैसा होगा, पहला रियल की वर्चुअल, तो भाई रियल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट का तो रियल है। दूसरा सीधी है कि उल्टी, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड हो गए। तीसरी साइज छोटा कि बड़ा, मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन मैग्नीफाइड है, बड़ी बनी है। ठीक है, अब लोकेशन की बात करें,
लोकेशन कैसा है, कहाँ पे, बियॉन्ड क्या, सी, सी के पीछे बनी है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सी और इन्फिनिटी, सी और इन्फाइनाइट के बीच में बनी है, या बियॉन्ड सी के, सी के पीछे कहीं पे भी बन सकती है, कहीं पे भी सी के पीछे बन सकती है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड केस, थर्ड केस ही बहुत ईजी था, या फिर कौन के मिरर के थर्ड केस से मिलता जुलता। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ केस की तरफ। अब हमको कहाँ रखना होगा ऑब्जेक्ट, सी पे रखना होगा, पहला रे पास होगी इसकी मिरर से, दूसरी रे पास होगी फोकस से। अब रिफ्रैक्शन जब इस रे का होगा या जब लेंस से पास होगी तो इट विल पास फ्रॉम फोकस, ठीक है, ये क्या होगी फोकस से पास होते हुए जाएगी, और जब ये पास होगी तो क्या होगा, ये भी इट विल बिकम पैरेलल टू फोकस। ये गई पैरेलल सीधे, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हुई, जब फोकस से गई तो रिफ्रैक्शन के बाद या मिरर से लेंस से पास होने के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ी होगी, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये तो रेड डायग्राम बन गया। अब इसके नेचर की बात करें, नेचर ऑफ इमेज, पहली रियल वर्चुअल, आपको पता है रियल है क्यों, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे की वजह से रियल हो गई। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, सीधे ऑब्जेक्ट इमेज उल्टी तो इन्वर्टेड हो गई। तीसरी साइज बताओ, सेम साइज बनेगी, सेम साइज बनेगी, यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हूँ, क्या नाप के बनाएंगे जब स्केल का यूज करेंगे तो एकदम सेम साइज की बनेगी। लोकेशन क्या है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी, तो एट रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। तो जब सी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ पे थी, सी पे रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ केस। अब हम और ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब हम इन्फिनिटी और सी के बीच में, या बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं, या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, उससे को हम बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं, ये केस हो रहा है। अगले केस में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ये पांचवा केस है। इसमें देखिए क्या होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपका लेंस है, इसमें ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, सीधी लाइन ये गई, ये होगा फोकस, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा फोकस, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को सी और इन्फिनिटी के बीच में रखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये सी है, सी और इन्फिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट रखा, तो भाई यहाँ से जब रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे गई तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, पास होगी, ऑब्वियसली पास होगी, और जब दूसरी रे होगी जो फोकस से पास हो रही होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी वो, यहाँ से जो रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, जब लेंस से पास हुई तो फोकस से पास हो गई, और जब फोकस से पास हो गई तो लेंस से जब पास हुई तो पैरेलल हो गई, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा उनका, ये इमेज बन गई हमारी, ये हमारी इमेज बन गई। अब आप देखो तो कुछ ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, अब उसके हिसाब से हम नेचर लिख देंगे इसका, नेचर क्या होगा, पहला रियल की वर्चुअल तो आपका बस रियल इमेज है, दूसरी इन्वर्टेड है उल्टी बनी हुई है, तीसरी
छोटा है साइज, थोड़ा सा छोटा साइज हो गया तो क्या होगा, डिमिनाइज बनेगी। डिमिनाइज मतलब साइज उसका ओरिजिनल साइज से छोटा हो गया, ठीक है। लोकेशन की बात करें, कहाँ बन रही है आपकी इमेज, तो लोकेशन सॉरी लोकेशन की बात करेंगे तो ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बनी, तो कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, सी और एफ के बीच में हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होता है। अगला केस चलते हैं, लास्ट केस इसका, सबसे सिंपल केस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल लास्ट केस, ठीक है। कहाँ रख दिया, इनफाइनाइट पे रख दिया। अब इन्फिनिटी पे रख देंगे तो क्या होगा, ये तो सबसे सिंपल केस है, ठीक। ये लेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। अब क्या होगा, लाइट ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो गए, ठीक है। तुमको पता है ना कि जब पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, तो यहां पर जब पैरेलल रे आई तो फोकस से पास होगी, तो हमारा नेचर क्या हो जाएगा इमेज का, पहला रियल एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट का, इसलिए रियल हो गए, दूसरा इन्वर्टेड, ये उल्टी बनेगी इमेज, ये उल्टी, यहां पॉइंट साइज बन रही है लेकिन इमेज हमेशा उल्टी बनेगी यहां पे। थर्ड हाईली डिमिनिश्ड, मतलब आपका बहुत ही ज्यादा छोटी बनेगी, वेरी स्मॉल इमेज, ठीक है। लोकेशन की बात करें, लोकेशन कहां पे है इमेज का, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लोकेशन हमारा फोकस पे होगा, एट फोकस, फोकस पे ही बनता है। मिरर के केस में भी पढ़ा था हमने कि जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस से बनती है, दोनों ही केस में पढ़ा था, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी इमेज हमारी फोकस में ही बनेगी। ये थे आपके 6 केसेस, 6 इमेजेस, इमेज के डायग्राम जो कि कॉन्वेक्स में पॉसिबल है, ठीक है। अब हम थोड़े से बात करते हैं, थोड़ा सा कॉन्वेक्स के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। पहली चीज यूजेस किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज कहां करते हैं, तो आपके कॉन्वेक्स लेंस के जितने भी केसेस पड़े थे हमने उसमें ज्यादातर केसेस में मैग्नीफाइड इमेज को देखा था, एक्सेप्ट लास्ट की 3, तो इसमें हमारा ये क्या किस लिए होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब आपने देखा होगा कई लोग वॉचमेकर वगैरह लिए रहते हैं ऐसे देखते हैं, कोई हाथ देखने वाला भी होता है वो भी क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास को लिए रहता है, वो कौन सा ग्लास होता है, कॉन्वेक्स ग्लास होता है, ये स्पेक्टिकल्स में भी यूज होता है, जैसे कि हमारे आई ग्लासेस, आई ग्लासेस में भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे हम आप जो चश्मा लगाते हैं जनरली एजेड लोगों के लिए यूज होता है, जो 40+ आते हैं जिनको पास का पढ़ने में दिक्कत होने लगती है वो लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइसेस में भी यूज होता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलिस, इन सभी में भी हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ये कुछ मेजर यूजेस हैं लेंसेज के जो आपके सामने लिखे हैं, बाकी लेंस तो कई जगह पे यूज होता है, बट जनरली ये कुछ मेन यूजेस जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, जिसके जो आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन, जैसे मिरर का साइन कन्वेंशन पढ़ा था वैसे ही लेंसेस का साइन कन्वेंशन पढ़ना है।
अब साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, अगर ये आपका कोई लेंस है, ये दोनों ही लेंस पे एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सो कॉन्वेक्स में एप्लीकेबल है कॉनकेव में ना हो, ये दोनों में ही एप्लीकेबल होता है, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव। ठीक, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट निकली ऐसे पास हो गई, ये इमेज बन गई, ठीक है, सिंपल से मैं फोकस वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। तो पहला रूल क्या होता है, ठीक है, सॉरी, कि अगर डायरेक्शन ऑफ, अगर अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम मूव कर रहे हैं, तो हम उस डायरेक्शन को हमें क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इट इज पॉजिटिव, ओके। दूसरा होता है अगर अपोजिट टी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो वो नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। रूल नंबर 3 है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की बात करते हैं तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और रूल नंबर 4 बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, ठीक है, अगर हम इसके नीचे चलेंगे तो उसको नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। ये 4 रूल हैं, मिरर से एकदम मिलते जुलते हैं, 99.99% सेम है, तो ये आपका रूल्स है, इनका साइन कन्वेंशन का यूज होता है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कि जितने भी डिस्टेंसेज होती हैं वो कहाँ से ली जाती हैं, डिस्टेंस टू बी ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस कहाँ से नोट करी आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस होती है कहाँ से कैलकुलेट की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर, मतलब यहाँ से सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, इधर 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 जो भी कैलकुलेशन होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होगा, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, ठीक है। ये था हमारा साइन कन्वेंशन, ठीक। अभी साइन कन्वेंशन जो है आपका लगता कहाँ पे है, कैसे लगाते हैं, वैसे हम न्यूमेरिकल में इसकी बात करेंगे लेकिन फिर भी इसका जो लगता है जनरली लेंस फॉर्म, जैसे मैं मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरह से एक लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला में हम इसका यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला था 1/V - 1/U = 1/F, F, ठीक है। V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और फोकस क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूले में जब हम वैल्यू लगते हैं इमेज की, जब डिस्टेंस लिखेंगे तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उस वैल्यू के साथ लिखेंगे, U की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसके साथ रखेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसके हिसाब से रखेंगे। ये था हमारा लेंस का फॉर्मूला, इतना ही पढ़ना है डेरिवेशन वगैरह सब 12th में, अभी कुछ नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आता है आपका मैग्निफिकेशन,
मैग्निफिकेशन मैंने मिरर में बताया था, ये रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही किसके बराबर होता है, वी अपॉन यू। यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, मिरर केस में नेगेटिव होती थी एक चीज़, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते थे, यहाँ पे दोनों कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होता। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ये भी हमारा यूज़ होता है, इसमें भी हम जो यू और वी की वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन को देखते हुए लेते हैं, ठीक है। इन पोर्शन से न्यूमेरिकल बनता है, उस पर ध्यान देना, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान देंगे। ये तो था हमारा, अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस का जो रे डायग्राम होता है उसके जो रूल होता है, दैट रूल इज सिमिलर, रूल होता है वो सिमिलर होता है एकदम कॉन्वेक्स लेंस का। जल्दी से क्विकली मैं तीनों रूल एक साथ बता देता हूं। सपोज करो कि लाइट आपकी पैरेलल आती है, ये रूल नंबर वन है, कोई लाइट पैरेलल आती है मिरर पे, सॉरी लेंस पे स्ट्राइक करती है, उसके पास होने के बाद वो दूर से ली जाती है। कैसे दूर जाती है, किट विल अपीयर्स कि वो किसी पॉइंट से आ रही है, वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस होगा, फोकस जैसा पॉइंट हमको लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि फोकस से निकल के चली आ रही है। रूल नंबर टू सिमिलर उसी की तरह, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसमें कोई भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और रूल नंबर थ्री जो है, रूल नंबर थ्री है कि अगर कोई रे फोकस की तरफ आती हो, फोकस की तरफ जा रही हो, तो जब मिरर से पास होती है तो वो सॉलिड से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। सारे रूल वही हैं जो हमने कॉनकेव में पढ़े थे, बट को लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। अब रे डायग्राम देखें, इसका इमेज डायग्राम देखें, तो यहाँ पे भी दो केस होते हैं, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे उसी तरीके से इसके भी दो केस होते हैं। तो केस नंबर वन, फोकस हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रखा, क्योंकि इसका केस बिल्कुल मिरर जैसा चलता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, तो कहीं पे, तो फिर इसका कोई जरूरत ही नहीं है सेंटर का, हमने यहां पे सीधा रख दिया, ऐसे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जो रे यहां से निकली पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन जब होगा, जब यहां से पास होगी रिफ्लेक्शन होगा, तो उसको क्या होना चाहिए, इधर से पास होना चाहिए, ठीक है, चली गई, ठीक, थोड़ा सा ऐसी हो गई। दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो, बिना किसी डिफ्लेक्शन के चली जाती है, तो अब आपकी इमेज कहां बन गई, ये बन गई। अगर ए बी ऑब्जेक्ट होता तो इसकी इमेज बनती ए डैश बी डैश, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी ले लें, सरका लें, आपकी इमेज हमेशा इसी पोजीशन में, यहीं कहीं इसी प्रॉपर्टी के साथ बनेगी। आप घर में चाहो तो दो चार इमेज आगे पीछे करके बना के देखना। तो हम नेचर की बात करें, तो पहला नेचर क्या है इसका, कहाँ पर नहीं है, पहले तो बताइए रियल की इन्वर्टेड, वो वर्चुअल है, तो क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं ना, उसको पीछे एक्सटेंड किया तब बना, तो वर्चुअल हो गई। वर्चुअल के बाद क्या है, सीधी है, डिमनाइज्ड बनी है,
और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है इसका भाई, बिटवीन ओ एंड एफ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा, नहीं बने बताइएगा, मैं दोबारा से इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। केस टू की बात करें, केस टू तो सिंपल है, चौथी बार पढ़ रहे हैं इस केस को, कहाँ पे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब भी इन्फाइनाइट पे लेते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस में बनती है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फाइनाइट पे है, गया नेचर बता भाई, पहला तो भैया ये वर्चुअल है, दूसरा इरेक्ट है, पहला वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट, तीसरा क्या अभी हाई डिमनेस्ट, बहुत छोटी इमेज बनी है, हाईली डिमनेस्ट। लोकेशन तो सबको याद हो गया होगा अब तक, कहाँ बनी एट इन्फिनिट, एट फोकस कहाँ बनी है एट फोकस। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जनरली क्या होता है, चश्मे में लगता है ये भी, ये जनरली जो यंग एज के लोग होते हैं जिनको दूर का नहीं दिखता, जो बच्चे होते हैं जो दूर का बोर्ड को नहीं देख पाते हैं, वो लोग अपने स्पेक्ट्स में आपका कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके कॉनकेव लेंस का इमेज डायग्राम हो गया, उसके यूजेस हो गए, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आपने साइन कन्वेंशन हो गया। अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है लाइट चैप्टर का, लाइट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस होता है कि किसी भी लेंस की कैपेसिटी कि वो लाइट को कितना डाइवर्स या कितना कन्वर्ज कर सकता है, किसी भी लेंस की प्रॉपर्टी कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज कितना डाइवर्ज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो लेंस बनाता हूँ, दोनों कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, सपोज लाइट आई, लाइट इतनी दूर पे जाके कन्वर्ज होती है, एक लेंस ये है, एक लाइट आई इधर कन्वर्ज कर दिया, तो आप बताइए ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या लेंस ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, आप अगर नहीं ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है डिस्टेंस कम, तो इसका फोकस है ना जहाँ पे कन्वर्ज कर देता है वो उसका फोकस हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जिसका फोकस जितना ज़्यादा उसका पावर उतना कम, इसका पावर कम है तभी तो दूर तक जाकर उसने कन्वर्ज किया, इसका पावर ज़्यादा है तो कम कन्वर्ज किया, ज़्यादा कन्वर्ज किया जल्दी कन्वर्ज कर दिया। तो हम पावर को डिफाइन कर देते हैं 1/ फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा पावर उतना कम, फोकल लेंथ जितनी कम उतना ज़्यादा पावर। कॉनकेव लेंस में निगेटिव हो जाएगी ये चीज़, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस में निगेटिव हो जाएगी। जो फोकल लेंथ होता है मीटर में लेते हैं हम जनरली, ठीक है, इसके साइज यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है, डी लिख सकते हैं या डायोप्टर लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर दो लेंस साथ में लगा दें, तीन लेंस साथ में लगा दें, चार लेंस साथ में लगा दें, दस लेंस साथ में लगा दें, तो पावर कितना होगा। तो आप जितने लेंस लगाते जाओगे हर लेंस का जो पावर होगा आप सिंपली उसको ऐड करते जाइए, और आपके जितने भी लेंस लगा दें, इन्फाइनाइट लेंस लगा देंगे, सबका पावर ऐड हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, कि जितने भी आपके फोकल लेंथ होगी सबका रेसिप्रोकल लेके ऐड करते आएंगे तो आपका पावर निकल आएगा। तो ये टोटल पावर होता है, ये आपका डायरेक्टर में आता है। ठीक है, इसके साथ आपका ये जो लाइट चैप्टर है पूरी फिनिश हो गया। ठीक है, अब इसमें बचता है न्यूमेरिकल, तो जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, आपके मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड, आपके लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड,
आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड, पावर पे बेस्ड, चार तरीके के न्यूमेरिकल होंगे, चारों हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है।